पहली बार दुल्हन बनने का मौका मिल गया नहीं, और हमें दुल्हन बनाने का बहुत शौक है। दुल्हन बनाते रहते हैं सबको। हम तो पहली बार बने, तो थैंक यू वेरी मच। सुपर सुपर, शी इज अमेजिंग नेचर वाइज एंड एवरीथिंग। जब से शुरू किया तब से इमरान हैज बीन एसोसिएटेड विद मी एंड इट्स अ प्लेजर। तो उसने जब कहा कि मुझे भाई कॉल था कि मेरा शो है तो तू ही करेगा, एंड इट वाज इंडीड फन। सो मेरे लिए इट वाज अ सुपर फन एक्सपीरियंस, एंड फ्रेंड दोस्त के लिए चलना तो ऑलवेज इट्स ऑल। ट्रस्ट मी, ही इज वेरी सपोर्टिव। जब भी जरूरत पड़ेगा ही इज देयर। सो सचिन और मैं बहुत पुराने दोस्त हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं पहली बार रैंप अपने किसी दोस्त के साथ वर्क कर रही थी एज अ शो स्टॉपर, एंड इट्स ऑलवेज एक्साइटिंग जब आप अपना एक प्रोफेशनल स्पेस अपने किसी साथी के साथ यू नो यूज करते हैं। तो आई फेल्ट इट वाज रियली नाइस। घनिष्ठ घनिष्ठ दोस्ती है हमारी। आउटफिट के बारे में बताइए कि ये कितना कंफर्टेबल है आप लोगों के लिए, एंड एम्ब्रॉयडरी बहुत कुछ है। बहुत ज़्यादा है, तो मैंने तो एक्चुअली कल ट्राई किया था घर पे, और हम लोग नॉर्थ से हैं, और हम लोग के घरों में यूजली जब भी हम लोग के वहाँ शादियाँ होती हैं तो जरदोजी का काम और जरी का काम बहुत होता है। तो जब मेरी मम्मी ने देखा, उन्होंने बोला बहुत प्यारा लहंगा है, तो मैंने कहा चलो मम्मी ने अप्रूव कर दिया। बट बहुत काम किया गया है, और आई थिंक द कलर्स हैव बीन वेरी नाइसली सिलेक्टेड, क्योंकि दूल्हे का कलर ब्लू है और दुल्हन का कलर पिंक है, और पिंक इज वन ऑफ माय फेवरेट कलर्स। आई वाज वेरी एक्साइटेड।